देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमानों का। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अगर ये कहा जाए कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो कहा वो किया तो शायद गलत नहीं होगा। बात चाहे राम मंदिर के निर्माण का हो, धारा 370 हटाने की हो, समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की बात हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात हो, वो सब कुछ केंद्र की मोदी सरकार ने किया है जो कहा था। हालांकि यूसीसी को सिर्फ अभी उत्तराखंड में लागू किया गया है, पूरे देश में इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। वहीं CAA को लेकर केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे या फिर जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उन्हें अब इस कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी। सिर्फ मुसलमानों को इस कानून के बाहर रखा गया है। वहीं CAA के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है और विपक्ष इसे BJP का एजेंडा बता रही है। विपक्ष का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले CAA के लिए अधिसूचना जारी की है। अब आपको पता ही है कि मोदी की आलोचना की बात हो और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल खामोश रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चूंकि केंद्र ने CAA को लागू किया है तो केजरीवाल कैसे खामोश रह सकते थे। उन्होंने CAA के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। हालांकि उनका पोस्ट लिखना उन्हें बहुत भारी पड़ गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने केजरीवाल को ही जमकर सुनाना शुरू कर दिया। लोगों ने केजरीवाल को क्या कुछ कहा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको केजरीवाल का वो पोस्ट पढ़कर बता देते हैं। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 10 साल से देश पर राज करने के बाद इन चुनावों के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग CAA लाए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा, उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या BJP उनको रोजगार देगी? क्या BJP उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों से 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए हैं। उन्हें वापस लाने के बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरा देश CAA का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। BJP शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। BJP ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने CAA का जिक्र करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं लोगों ने केजरीवाल के इस पोस्ट पर जमकर कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा, जब आपके अमानतुल्ला ने रोहिंग्या मुसलमानों को 10-10 हजार दिए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कम से कम 50 हजार देने को कहा। आज वही अरविंद केजरीवाल पाकिस्तानी हिंदुओं के नागरिकता का विरोध कर रहे हैं। एक और यूजर ने केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा कि इसमें गरीबी, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी कहां से आया? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी जो पड़ोस के देशों में अल्पसंख्यक हैं, वहां प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उसे भारत में नागरिकता देना कैसा अनुचित हुआ?
इसमें तुम्हारे वोट बैंक वाले नहीं हैं। इसलिए एक और यूजर ने कमेंट किया, अरे वो झूठ व अफवाह फैलाने वाले मक्कार भाई साहब, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तुम्हारे इतनी लंबे पोस्ट से ही तुम्हारा दर्द समझ में आ गया, थोड़ा ज्ञान उस पर भी दे दो जिन्हें आपने दिल्ली में अवैध रूप से बसा रखा है। जनक राज नाम के यूजर ने लिखा, आज का दिन इतिहास में एक नई शुरुआत के रूप में दर्ज होगा। हमारे सम्मानीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य हमारे देश के ढांचे को और मजबूत करना है, साथ ही उन सभी को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है जो विश्वास के साथ भारत को अपना घर मानते हैं। इस निर्णय के साथ हम एकता, अखंडता और समावेशिता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। हम सभी भारतीयों को इस पहल का समर्थन करते हुए देश के सामाजिक ताने बाने को और अधिक सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को अवैध तरीके से बसाकर कौन वोट बैंक बना रहा है? अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या किसका हक मार रहे हैं, यह बता सकते हो अरविंद केजरीवाल जी? तो इस तरह से केजरीवाल के पोस्ट पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं और उन्हीं को खरी खोटी सुना रहे हैं। वैसे आप CAA को कैसे देखते हैं और केजरीवाल ने CAA पर जो कुछ भी कहा है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमानों का। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये गलत समय पे डिसीजन लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी करने का क्या मकसद है? और ऑलरेडी एक CAA का कानून था और उसमें क्या ऐसा अर्जेंसी आ गई थी, क्यों इस तरह करा? सब समझ रहे हैं एक सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है, क्योंकि अपने मूलभूत जो जनता की मांगे थी वो उसको पूरी नहीं कर सके, तो CAA लाकर उसके बिना पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून। हमने कब मना करा? बात तो ऑलरेडी पहले भी तो देश के लोग नागरिकता लेते थे, जो दूसरे लोगों को दी गई है, कई नागरिकता दी है ना। नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में क्या एक एक्ट ला के जरूरत पड़ गई जिसको आप वो कर रहे हैं? हम लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद इसका जिस तरह होगा सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना होगा तो वहाँ भी करेंगे, और अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे।